सपा सरकार में हुए अवैध खनन के घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है और जिसकी शुरुआत 2008 बैच की आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई की छापेमारी से हुई है। बी चंद्रकला के साथ साथ हमीरपुर, जालौन और दिल्ली में भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जालौन और हमीरपुर में जो अवैध खनन करने वाले जो कहा जाए कि माफिया थे तो उनके ऊपर भी छापेमारी की है। कहा जाए सीबीआई की जो तीन गाड़ियों से टीमें मौजूद हैं जो इस सफायर अपार्टमेंट में आई हैं, करीब दर्जन भर अधिकारी सीबीआई की जो लखनऊ और दिल्ली की स्पेशल टीम बनाई गई है छापेमारी के लिए, वो इस फ्लैट नंबर 101 में मौजूद है जो बी चंद्रकला का है। कहा जा रहा है कि कुछ तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सीबीआई पहले से इकट्ठा कर चुकी थी, बस उनकी पुख्ता जानकारी होने के लिए इंतजार कर रही थी और सीबीआई उसी के तहत इन दस्तावेजों की जांच करने बी चंद्रकला के फ्लैट में पहुंची हुई है। अब अवैध खनन के आरोप में कहा जा रहा है कि अब बारी बड़ी मछलियों की है जिनके ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।